नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार हेतु तिथि विस्तारित। मशरूम की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलती है इतनी राशि। हरभजन सिंह ने पहले टेस्ट के लिए चुनी भारत की अपनी प्लेइंग 11। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने 904 पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस के 904 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 237 हुबली डिवीजन, 217 कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली, 230 बेंगलुरु डिवीजन, 177 मैसूर डिवीजन और 43 सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर के लिए है। बता दें कि रेलवे में अप्रेंटिस की नौकरी के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां दक्षिण पश्चिम रेलवे के डिवीजनों वर्कशॉप यूनिटों में दिए गए ट्रेडों में ट्रेनिंग के हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन केवल RRC SWRUBL वेबसाइट यानी www.rrcubli.in पर ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। रेलवे के इस नौकरी के लिए उम्मीदवार 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में IT सर्टिफिकेट प्राप्त हो। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 2 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से रेफ्रिजरेटेड वाहन के इकाई लागत पर इतना अनुदान। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत 9 मीट्रिक टन के रेफ्रिजरेटेड वाहन के इकाई लागत 26 लाख रुपए पर व्यक्तिगत कृषक उद्यमी के लिए अधिकतम 50% यानी कि 13 लाख रुपए एवं FPO FPC के लिए अधिकतम 75% यानी कि 19.5 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं। ऐसे में इच्छुक कृषक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन http://horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जिले के कृषि या उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेफ्रिजरेटेड वाहन से मतलब होता है ऐसे वाहन जो विशिष्ट तापमान पर खराब होने वाले माल को ले जाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें रेफ्रिजरेटेड ट्रक और वैन आते हैं। इन वाहनों का उपयोग लंबी दूरी पर फल, सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा आदि जल्दी खराब होने वाली चीजों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इन वाहनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें रखे हुए सामान जल्दी खराब नहीं होते, जिससे एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी फसल उत्पादों को पहुँचाया जाना संभव हो पाता है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे जल मंदिर पावापुरी के बारे में। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। यह स्थान भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है। यह मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अति पवित्र माना जाता है। जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार की चिता से राख की बड़ी मांग थी। जल मंदिर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि कमल के साथ खिलने वाली झील के बीच में एक मंदिर है। सुंदर मंदिर का मुख्य देवता भगवान महावीर की बहुत पुरानी चरण पादुका है। यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान महावीर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। वर्तमान संरचना संगमरमर से बनी है और कमल के फूल से भरे तालाब के बीचों बीच है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बने 600 फीट लंबे पुल के माध्यम से सुलभ है। मंदिर के अंदर भगवान महावीर और उनके शिष्यों के पैरों के निशान है। इस मंदिर के शांत एवं मनोरम वातावरण मन को भाव विभोर कर देते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार हेतु तिथि विस्तारित। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में हैं जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है
की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के जारी द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार हेतु तिथि को विस्तारित कर दिया गया है, जिसके तहत अब द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में हुई गलतियों को 16 जुलाई 2023 तक सुधारा जा सकता है। बता दें कि त्रुटि को सुधारने के लिए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर अपलोड किए जाएंगे। जारी किए गए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो या फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय, वैवाहिक स्थिति से संबंधित त्रुटि हो तो उसका सुधार 16 जुलाई तक संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी प्रकार की परेशानी सामने आती है तो समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612223039 पर सूचित किया जा सकता है। सरकारी आयोजनों में पद्म पुरस्कार विजेता आमंत्रित और सम्मानित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सभी राज्य के सरकारों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सरकारी आयोजनों में प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया जाए। बता दें कि पत्र में यह लिखा गया है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह या महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित और सम्मानित किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश स्तर पर आयोजित सार्वजनिक समारोह या महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित करने के लिए कदम उठाएं। मालूम हो कि पत्र में लिखा गया है कि संबंधित जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों से अपने जिले के पद्म पुरस्कार विजेताओं को जिला स्तर पर आयोजित सार्वजनिक समारोहों या महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहें। बिहार में 6 एक्सप्रेसवे का हो रहा निर्माण। बिहार में कई योजनाओं के जरिए ग्रामीण सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री गढ़वा संपर्क योजना और राज्य योजना की अनेक योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि इस योजना के तहत अब तक कई सड़कों और पुलों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही अब राज्य में 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी योजना बनाई जा रही है, जिसका फायदा राज्य के सभी जिलों को मिलेगा। मालूम हो कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं इस साल निर्माण की शुरुआत होने की संभावना है। बता दें कि जिन 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा उनमें 6927 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 199 किलोमीटर लंबी आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 24275 करोड़ रुपए की लागत से करीब 686 किलोमीटर लंबाई की वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, करीब 32 करोड़ रुपए की संभावित लागत से करीब 519 किलोमीटर लंबाई की गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, करीब 54,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से 695 किलोमीटर लंबाई की रक्सौल पटना हल्दिया एक्सप्रेसवे, 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 118 किलोमीटर लंबाई की पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे और करीब 1,542.55 करोड़ रुपए की लागत से 73 किलोमीटर लंबाई की बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मिथिलांचल के सपूत ने बनाया तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के मिथिलांचल के सपूत 34 वर्षीय मनीष झा के द्वारा हिमाचल की कनामो चोटी, जिसकी लंबाई 19,723 फीट है, उसे 11 घंटे में 30 मिनट फतह कर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया गया है। हालांकि इससे पहले भी मनीष झा के द्वारा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा चुके हैं और ये इनका तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड फरवरी वर्ष 2022 में 12,500 फीट ऊंची केदारकंठ चोटी पर 7 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई कर और मार्च 2022 में 13,100 फीट ऊंची ब्रह्मताल चोटी पर 8 घंटे 30 मिनट में चढ़ाई कर अपने नाम किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मनीष झा के द्वारा हिमाचल के कनामो चोटी को फतह किया गया तो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल और यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित किया गया। मालूम हो कि कनामो चोटी की चढ़ाई करने के लिए मनीष झा के नेतृत्व में 4 लोगों की टीम निकली थी। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा। बीते दिन राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अपनी मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना में धरना स्थल पर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग और आर्ट ब्लॉक गोलंबर पहुंचे थे। इसी कड़ी में आर्ट ब्लॉक के पास बड़ी संख्या में शिक्षकों के पहुंचने और हंगामा करने के कारण उन्हें हटाने को लेकर पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग करते हुए उन पर लाठीचार्ज की गई। बता दें कि इस दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई। वहीं इस पर शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि लोकल लोगों को जाने दिया गया और शिक्षक होने का शक होने पर भी गाली गलौज
लॉन्च किया गया और हमें खदेड़ खदेड़ कर मारा गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबकी अपनी बात रखने का अधिकार है। गर्दनीबाग से आरआर ब्लॉक तक ऐसे ही हालात है। मालूम हो कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उन्हें बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले और साथ ही डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए। वहीं सबके बीच वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा गया कि मॉनसून सत्र के बाद सीएम नीतीश शिक्षक अभ्यर्थियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राज्य के स्कूलों में खराब पड़े सामान की होगी नीलामी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि राज्य भर के स्कूलों में पड़े हुए सभी चीजें जो खराब हो चुकी हैं उनकी नीलामी कर दी जाएगी। ऐसे में राज्य के सभी जिलों से उनके जिलों के स्कूल में पड़े खराब सामान की सूची मांगी गई है, जिसके बाद विभाग की ओर से सूची के आधार पर राज्य स्तर पर इसकी नीलामी की जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर से यह कवायद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही उन सामानों की भी नीलामी की जाएगी जो विभाग में रखे हैं पर उनका न तो इस्तेमाल किया जा रहा और ही वे मरम्मत के लायक है। वह इन सब के अलावा अब राज्य के सभी स्कूलों में एक तरह के बेंच और डेस्क भेजे जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जगत मुरारी के बारे में। जगत मुरारी एक प्रतिष्ठित भारतीय वृत्तचित्र फिल्म निर्माता थे, जो एक निर्माता, निर्देशक और सबसे बढ़कर शिक्षक के रूप में भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में कई प्रमुख फिल्म संस्थानों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिनमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और फिल्म महोत्सव निदेशालय शामिल है। मुरारी को 1962 और 1971 के बीच FTII पुणे के प्रमुख के रूप में युवा प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए याद किया जाता है, जिनमें से कई अब बॉलीवुड में जाने माने नाम है उद्योग, जिसमें जया भादुरी, सबाना आजमी, अदुर गोपाल कृष्णन और सुभाष घई शामिल है। उनकी ऐतिहासिक फिल्म महाबलीपुरम को 1952 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और न्यूयॉर्क में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कला फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। भारत के महाबलीपुरम और गुफा मंदिर 1955 में भारतीय फिल्म महोत्सव के लिए चीन में दिखाए गए थे, जिसे भारत और चीन के लोगों को दोस्ती के करीब लाने में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। 1973 में उन्होंने फिल्म महोत्सव निदेशालय की स्थापना की, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम की मेजबानी की। मशरूम की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। अगर आप भी उन किसानों में आते हैं जो मशरूम की खेती करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत मशरूम स्पॉन तथा मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए सरकार 50% का अनुदान दे रही है। हालांकि इसके लिए इकाई लागत 15 लाख रुपए होने चाहिए, जिसके बाद ही इस पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो वही वैसे किसान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आपको अधिक जानकारी की जरूरत है, तो आप अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। राजस्व कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। बिहार में घूस लेने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी विभाग के द्वारा कड़ी कोशिश की जा रही है। इसी के तहत बीते दिन निगरानी की टीम के द्वारा बिहार के नालंदा के हरनौत अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार को रंगे हाथों 20,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। बता दें कि इस बारे में निगरानी विभाग के DSP शिव कुमार साह के द्वारा बताया गया कि संतोष कुमार के खिलाफ कंप्लेन शोभा देवी नामक महिला के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया था कि उनसे राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा 20,000 रुपए घूस के रूप में मांग किए जा रहे हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई और मामला सही पाए जाने पर संतोष कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतोष कुमार को बिहार के नालंदा के हरनौत अंचल के लोहरा पंचायत, तेलमर पंचायत एवं पचौड़ा पंचायत का कार्यभार मिला हुआ था। बिहार विधानसभा आज 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामा भरा रहा। बता दें कि बीते दिन विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के MLC नवल किशोर के द्वारा शिक्षकों को लेकर कहा गया कि पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में शिक्षकों को उठाया जा रहा, जो बिल्कुल गलत बात है, जिसके बाद इस बात को लेकर बीजेपी के MLC विधान परिषद की वेल में बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं JDU MLC नीरज कुमार के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति हमारे द्वारा की गई है, नेता विरोधी दलों के बयानों पर सत्ता पक्ष के द्वारा आपत्ति जताई गई। लेकिन इन सबके हंगामे के बीच विधान परिषद की कार्यवाही जब 2 बजे के बाद फिर से शुरू हुई तो बिहार माला सेवा कर संशोधन विधेयक पारित किया गया। यूपी से बिहार लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप बरामद।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनिशाबाद गोलम्बर का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा यूपी से लग्जरी एसी बस में लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। बता दें कि बस की छापेमारी करते हुए कुल 45 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बस चालक की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल गिरफ्तार बस चालक से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलती है इतनी राशि। आईपीआरडी बिहार के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र छात्राएं जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो और कम से कम 75% उपस्थिति दर्ज हो, उनके लिए सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 600 रुपए, कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों के लिए 1,200 रुपए प्रतिवर्ष और कक्षा 7 से 8 तक के बच्चों के लिए 1,800 रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं अगर हम आज यानी कि 12 जुलाई के मौसम की बात करें तो आईएमडी बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि इन स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, कटिहार और मधेपुरा जिलों में 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगर हम कल यानी कि 13 जुलाई के मौसम की बात करें तो आईएमडी बिहार के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में 1-2 स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर और सिवान जिलों में 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। छुट्टी के दिनों में भी विश्वविद्यालय आयोजित करेंगे कक्षा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि विलंब से चल रहे शैक्षणिक सत्रों को पटरी पर लाने के लिए छुट्टी के दिनों में भी कक्षा आयोजित किया जाए। इसके साथ ही विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह विभाग की ओर से तैयार किए गए परीक्षा कैलेंडर के आधार पर ही कार्रवाई सुनिश्चित करें, लेकिन इसके पहले बचे हुए कोर्स को पूरा करवाने का काम जरूर करें। इसके अलावा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को विभाग द्वारा भेजी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आवेदन एवं शिकायतें जो विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं उनका भी जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह सभी निर्देश विश्वविद्यालयों के कुलपति, वित्त पदाधिकारी एवं लेखा शाखा के कर्मियों के साथ हुई बैठक में दी गई। ध्वजारोहण के साथ ऐसे शुरू होगा राजकीय मलमास मेला। बिहार के राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत 18 जुलाई को ध्वजारोहण के साथ होने वाली है। बता दें कि राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा कमेटी के प्रवक्ता सुधीर कुमार उपाध्याय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मेला का उद्घाटन पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद से किया जाएगा। वहीं ध्वजारोहण के दौरान 33 कोटि देवी देवताओं को राजगीर तीर्थ में पधारने के लिए आह्वान किया जाएगा। वहीं राजगीर में देवी देवताओं के आते ही पूरे देश में मांगलिक अनुष्ठान जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि कोई भी कार्य नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में अनेकों तीर्थों के पीठाधीश्वर संत महंत शामिल होने वाले हैं। सुधीर कुमार उपाध्याय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमरिया काली धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चिदानंद जी महाराज शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रयागराज के जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य, स्वामी दिलीप योगीराज जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विवेक मुनि जी महाराज, मगध महामंडलेश्वर स्वामी अंतर्यामी सरन जी महाराज के अलावा राजगीर और आसपास के धार्मिक प्रतिष्ठानों के धर्माचार्य शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वह 19 जुलाई को राजगीर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बीते दिन बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास और बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में कार्यवाही को चलने दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने टेबल और कुर्सियां पटकी और सदन को चलने नहीं दिया। उन्हें जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और सदन को नहीं चलने देना है। इसके साथ उन्होंने शिक्षकों को लेकर कहा कि जहां तक बात शिक्षकों की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले को खुद देख रहे हैं। जो भी शिक्षक नेता है, सीएम नीतीश कुमार उनसे मुलाकात कर खुद उनसे बात करेंगे, यह कितनी अच्छी पहल है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जिनके पास किसानों और पहलवानों से मिलने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन बिहार में माहौल अलग है। तेजस्वी यादव से इस्तीफा न लेने को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हुए जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर चार्जशीट दायर करने के बाद बीजेपी के द्वारा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि वह तेजस्वी यादव से इस्तीफा लें। वहीं अब इस पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज नीतीश जी सदन में नहीं थे, हमको जब वो मिलेंगे तो एक बार याद जरूर दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, आपको वो भ्रष्टाचार वाला सी था, वो सी खत्म हो गया क्या? आपने जीतन राम का इस्तीफा लिया, आपने रामाधार सिंह का इस्तीफा लिया, मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया, कार्तिकेय जी का इस्तीफा लिया था, अब मुंह में बोली नहीं है क्या? डर गए क्या? अब नीतीश कुमार डर गए, इस्तीफा कैसे मांगेंगे? वो राजद से डर गए हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सदन में सभापति से आपकी झड़प हुई, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सदन बना ही अपना विरोध करने के लिए है। सीएम नीतीश को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने लिखा पत्र। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश की जा रही, तो वहीं दूसरी ओर उनकी इस कोशिश को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार की ओर से 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बुलाई गई बैठक एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि हम विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए और साथ में चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। ऐसे में हम एक बार फिर से जुलाई में मिलने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनका समाधान खोजने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 17 जुलाई को शाम 6 बजे बेंगलुरु में होने वाली बैठक और फिर उसके बाद रात्रि भोज में भाग लेना सुनिश्चित करें। बैठक 18 जुलाई सुबह 11 बजे भी जारी रहेगी। बेंगलुरु में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। हरभजन सिंह ने पहले टेस्ट के लिए चुनी भारत की अपनी प्लेइंग 11। 12 जुलाई से डोमिनिका के रोसेयो में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाने वाला पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के द्वारा भारतीय टीम की अपनी प्लेइंग 11 को चुना गया है। दरअसल हरभजन सिंह के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर कहा गया कि मेरे अनुसार रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग करना चाहिए, जबकि यशस्वी जायसवाल को तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि यशस्वी को ओपनिंग करना चाहिए और शुभमन को नीचे आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शुभमन गिल ने अपनी जगह खुद बनाई है। गिल ने ओपनिंग की जगह अपने प्रदर्शन से हासिल की है, उनकी जगह को कोई छू नहीं सकता। मैं यशस्वी को नंबर 3 पर खिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो डेब्यू करेंगे और काफी रन बनाएंगे। यशस्वी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके बाद चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमशः विराट कोहली व अजिंक्य रहाणे आएंगे। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और केएस भरत को आगे के स्थानों पर उतारा जा सकता है। मोहम्मद सिराज 9वें नंबर पर उतरे। मैं चाहता हूं कि जयदेव उनादकट को जगह मिले, क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले। मुझे उम्मीद है कि मुकेश कुमार को मौका मिलेगा, वो दिखा चुके हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं उनादकट के बाद नंबर 11 पर मुकेश कुमार को रखूंगा। रणजी ट्रॉफी में मुकेश ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। शिवाजी ने 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का 1823 में कलकत्ता अब कोलकाता में अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त 1949 में हटाया गया। भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में हुई। भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा 2001 में प्रारंभ हुई। अलकनंदा नदी में 1970 को आई भीषण बाढ़ ने 600 लोगों की जान ली। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म 1895 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के निर्देशक बीमल राय का जन्म 1909 को हुआ था। क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का 1965 को जन्म हुआ। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल का जन्म 1982 को हुआ था। लोधी वंश के संस्थापक बहलूल खान लोधी का दिल्ली में निधन 1489 में हुआ। प्रख्यात साहित्यिक संस्था प्रसाद परिषद के भूतपूर्व सभापति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निधन 1982 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन 1999 को हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन 2012 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का निधन 2013 को हुआ था। आज के दिन
को मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे नए संचार नियम के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नए संचार नियम के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे किसी भी फर्जी और स्पष्ट सूचना को शेयर न करें। इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द मिलेगा एक मजेदार फीचर। इन दिनों मेटा इंस्टाग्राम ऐप में नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है। नया फीचर लाइव एक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। कंपनी फिलहाल इसकी टेस्टिंग iOS पर कर रही है। स्पीच फीचर के तहत जब भी आप कोई पोस्ट या वीडियो इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे तो आपको लॉक और होम स्क्रीन पर पोस्टिंग की लाइव एक्टिविटी दिखेगी कि ये कितना पूरा हो चुका है। अभी तक होता ये था कि अगर आप कोई पोस्ट या वीडियो या रील पोस्ट करते हैं तो इसे देखने के लिए ये कितना प्रतिशत अपलोड हो चुका है। इसके लिए हमें बार बार ऐप खोलना पड़ता था। बिना ऐप खोले हमें इसका आइडिया नहीं मिलता। लेकिन अब जल्द iOS यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर पोस्ट को अपडेट लाइव एक्टिविटी फीचर के आने के बाद मिलेगा। 9to5 मैक रीडर फर्नांडो मोरेटो ने ये बात नोट की कि इंस्टाग्राम ऐप अब लाइव एक्टिविटीज दिखा रहा है। इसकी मदद से यूजर्स लॉक स्क्रीन और डायनेमिक आइलैंड दोनों पर ऐप की लाइव एक्टिविटी देख पाएंगे। ध्यान दें फिलहाल ये फीचर केवल iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर के गोविंद राज, ऑप्शन बी आधव अर्जुन, ऑप्शन सी अद्भुत अर्जुन, ऑप्शन डी कुलविंदर सिंह गिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधव अर्जुन। दूसरा सवाल, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्देशक को मिला है? ऑप्शन ए शेखर कपूर, ऑप्शन बी यश चोपड़ा, ऑप्शन सी राजेश मापुष्कर, ऑप्शन डी संजय पूरन सिंह चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शेखर सुमन है। हमारा तीसरा सवाल, भारतीय नीति प्रमुख के रूप में गूगल द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अर्चना गुलाटी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी श्रीनिवास रेड्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनिवास रेड्डी। चौथा सवाल, राजधानी पटना का मानक समय कैसा है? ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे, ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे, ऑप्शन सी भारतीय मानक समय के बराबर, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे। हमारा पांचवा सवाल, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि समृद्धि, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी सूखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाढ़। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, मोटू रंगीला, मृत्युंजय कुमार, पंकज कुमार दास, अनवर करीम खान, रामनवी मांझी, सुजीत कुमार, राजीव कुमार, अमरीश कुमार रॉय, ज्योति कुमारी, उदय कुमार पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजीत कुमार, सदानंद झा, दिलसाद नवाज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के विद्यालय पहुंचने के समय सारणी में पहले की तुलना में कुछ सुधार आया है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।